हरे कृष्ण ॐ ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजन सलाक चकचुरम ने तमेना तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं यनभूतले स्वयं रूपकदा मय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे हम श्री, श्री, श्री गुरु श्री उतापदिकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश चिरूपं सागरजातम सहगन रघुनाथान्वितं तं तं सजीवं सावद्वैतं सावदूतं परजना कृष्ण कृष्ण चैतन्य श्री कृष्णचतन्यम श्रीराधपगनलिताखान्वीता नमो कृष्ण कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते देवे सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चास्ता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद अदतदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे मुखति वाचा पंगु लंघाते गिरी यं वंदे दीन दीनता तथा कीर्तिया मंग विप्रस भुई तेजस हरिम हरि तुम गिरा मनिथा मसती तो आज हम ग्यारहवें अध्याय पे प्रवेश करेंगे चर्चा करेंगे उसके पहले आज बता दें कि आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस है और अपने विग्रहों का नाम भी राधा रमन है तो राधा रमन जी का आविर्भाव है ये वृंदावन में हुआ आज से करीब पाँच सौ साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रथ है एक शालिग्राम रूप में तो शालिग्राम रूप में जब विग्रह थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को ऐसी इच्छा हुई कि जैसे बाकी गोस्वामियों के विग्रह हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है ग्यारवा स्तन ग्यारवा अध्याय लेकिन हम शुरुआत में राधा रमन जी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे <coughs> <coughs> तो राधा रमन जी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि बाकी गोस्वामियों स्वामियों के पास जो विग्रह हैं उनके लिए उनके पास वस्त्र इत्यादि सेवा के लिए बहुत मिलते हैं और वो सेवा करते हैं तो ये सोचे कि अगर मेरे पास भी विग्रह रूप में होते हैं, तो मैं भी सेवा कर पाता ये सोच के वो रात में सो गए नरसिंह चतुर्दशी का दिन था जब सुबह उठे तो शालिग्राम जी महाराज एक विग्रह का रूप लेके त्रिभंग श्याम रूप में परिवर्तित होकर खड़े हो गए थे तो राधा रमन जी जो हैं वो बड़े छैल छिबीले बड़े सुंदर दिखने वाले हैं उनका जो चरण कमल है वो राधा मदन मोहन के जैसा दिखता है जो कि सनातन गोस्वामी के सेवित बिक रहे हैं उनका जो शरीर है वो राधा गोविंद जी से मेल खाता है और उनका जो चेहरा है वो राधा गोपीनाथ जी से मेल खाता है तो राधा रमन जी जो मूर्ति हैं वो मूर्ति जो है वो तीनों राधा मदन मोहन रूप गोस्वामी के राधा गोविंद और मधु पंडित के राधा गोपीनाथ ये तीनों के समन्वय से मिला है जैसे हम जानते हैं कि भक्ति करने के समय जो संबंध स्थापित होता है भगवान से वो राधा मदन मोहन जी के कहने से होता है करने से होता है जो मदन से आप जब आगे निकलोगे तब जाके आप जब आप मदन से आगे निकलोगे तो जाके तब जाके आप जो है भक्ति कर पाओगे फिर राधा गोविंद जी जो हैं आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे और राधा गोपीनाथ जी हमारे लक्ष्य हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है तो जब सुबह हुआ राधा रमन जी प्रकट हो गए सुंदर रूप में और सारे गोस्वामी आ गए और बड़ा फंक्शन हुआ बड़ा त्यौहार मना राधा रमन जी के इसमें और ये यही चंदन यात्रा का आखिरी दिन हुआ और राधा रमन जी को देख के चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये कृष्ण और राधा यहाँ साक्षात खड़े हैं और इसको और मेरे में कोई भेद मत समझना गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने बताया कि इन विग्रह में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कोई भेद मत समझना तो जैसे महाप्रभु राधा कृष्ण जय जय श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य तो वैसे राधा रमन जी जो है चैतन महापुरुषा भिन्न हो के। तो राधा रानी जो है शायद साथ, साथ में ही है उनके तो ये ये भाव तो जरूर है चैतन महापुरुष जब वो अलग नहीं है मतलब राधा कृष्ण नहीं अन्य की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्यारहवा अब हम ग्यारहवें अध्याय पे आते हैं ग्यारहवा अध्याय जो चालू हुआ गीता का दसवाँ अध्याय खत्म हुआ भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि नहीं हिलने वालों में मैं हिमालय हूँ जीतने वालों में मैं वो नीति हूँ जिससे जीत होती है ये सारा बताया और बताने के बाद कृष्ण अर्जुन बड़ा खुश हुआ कहा मैं तो एकदम खुश हो गया आपकी महिमा को सुन के अब आप पे ध्यान करना आसान होगा तो अब ये बारहवें अध्याय में, अध्या में भगवान से अर्जुन सवाल करते हैं कि आपने मेरे लिए जो इतना उपाय किया है मेरे लिए जो आपने इतना सुंदर सुंदर बताया है अब मैं आपकी इस विराट रूप के रचना को देखने का इच्छा रखता हूँ जिस तरह से आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और विराट रूप का रचना करते हैं उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ देखो मेरे इस दिव्य रूप को देखो ये दिख तो रहा है लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा अब इसको क्योंकि देखने के लिए सामान्य आंखें नहीं, नहीं। दिव्य दृष्टि चाहिए तो लो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं और देखो क्या क्या चीजें देखना है सो देखो कह रहे हैं बस से वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्त था सारे आदित्यों को देखो आदिति के पुत्र देवताओं को देखो उसके बाद वसुओं को देखो आठ वसु में जो एक वसु भीष्म पितामह है वो वसुओं को देखो रुद्रों को ग्यारह रुद्र को देखो शिव शिव जी के अवतार रुद्र हैं उनको देखो अश्विनी कुमार दो हैं जो सबसे बड़े देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं उनको देखो सबको देखो ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक चीजों को देखो जो तुमने न सुनी है न कभी देखी है सब देखो क्या क्या देखना है इस विश्व रूप में जो भी तुम्हारे अंदर जो भी तुमको देखने की चाहो वो सब तत्न इसी शरीर में देखो मतलब ये है कि एक ही सेकेंड के अंदर विश्व रूप में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है एक साथ पचास चीजें कैसे व्यक्ति देख के समझ सकता है ऐसा कैसे हो जाएगा तो सुनिए जब आदमी मरता है मरने के समय व्यक्ति जो है कुछ सेकेंड के अंदर जब मरता है तो मरने के समय पूरे जीवन का हर चीज उसको याद आता है और बहुत स्पीड से सब चीज़ें याद आती जिसको भी निकट मौत का दर्शन हुआ है और फिर बच गया है वो सब इस बात को कहते हैं कि मरने के समय पूरा जीवन का घटना दन धन दन धन दन 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 धन आता है और फिर कोई ऐसी जगह रुक जाता है जो सबसे ज़्यादा जो हम चाहते थे अगर आप पैसा 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 चाहिए तो जो जीवन में जहां भी आपको पैसा वैसा मिला होगा वो चित्र आके रुक जाएगा बाकी सब चित्र आके पार हो जाएंगे कैसे होता है मरने वाला ही जाने लेकिन जरूर योग शक्ति से भगवान के ये अर्जुन भी ऐसा देख पाया अर्जुन भी ऐसी शक्ति से देख पाया एक ही सेकंड में पूरा ब्रह्मांड देख पाया और अलग अलग चीजें होते हुए देख पाया कि तो अर्जुन को देखने लगा अर्जुन ने क्या क्या देखा असंख्य मुख देखा इतने थे उस विराट रूप को बड़ा एक व्यक्ति था इतने सारे मुंह थे जहां तहां असंख्य मुंह असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य एक साथ देख रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है उन आश्चर्यमय दृश्यों को अगर आप जानना चाहें तो आठवां स्कंद पढ़िए पांचवां स्कंद पढ़िए आपको पता चलेगा इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं ब्रह्मांड के बीच में मेरू पर्वत है जो उल्टा है सात प्रकार के सागर हैं नमक का मीठा मीठे पानी का सागर शराब का सागर दही का सागर दूध का सागर गन्ने के रस का सागर ये सारे सागर हैं। ऐसे से सागर देखे जहाँ से सूर्य उगता है जहाँ सूर्य डूबता है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है उस पर्वत को कहते हैं लोकालोक पर्वत उस पर्वत को उसने देखा पर्वत के पार अंधेरा है ऊपर के ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के ऊपर के भागों में सिद्धों का लोक है चारणों का लोक है गंधर्वों का लोक है सब अर्जुन ने देखा नीचे के लोकों में अर्जुन ने देखा तल अतल सुतल तलातल रसातल महापाताल इन नीचे के लोगों को देखा आप सोचते होंगे इन नीचे के लोग कैसे होते हैं तो आप YouTube में देख लीजिएगा एलियंस एलियंस करके सर्च करिएगा बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे बहुत सारे फेक भी होते हैं कुछ जरूर असली होते हैं उसमें तो ये ऐसे तस्तरी के आकार के हवाई जहाज़ जैसे चीज़ें रहती हैं उड़ते हुए आके घूम के चली जाती रिचर्ड थॉम्पसन जो एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे बाद में भक्त बने प्रभुपात जी के शिष्य बने सदापतु दास नाम पड़ा, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है एलियन आइडेंटिटीज जो बाहर के ग्रहों से जो लोग आते हैं उनके पास कैसे कैसे विमान होते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है और उसका स्पीड तक लिखा है शास्त्रों में स्पीड तक लिखा है एक सेकेंड में अठारह हजार किलोमीटर का स्पीड पकड़ता है और पेपर का मेटल होता है पेपर का जितना कागज का जितना मोटा उसका मेटल से बना होता है और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगी रहती और उसके अंदर अगर पानी का बोतल रखा है तो टेक ऑफ करते समय पानी का बोतल भी नहीं हिलता आप बोलेंगे ऐसा कैसे तो आप रामायण पढ़िए रामायण में पुष्पक विमान का चर्चा मिलेगा पुष्पक विमान में कोई सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था कहीं भी सीट बेल्ट नहीं था और कहीं भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था कि अब हम उड़ने वाले हैं आप लोग सीट पकड़ लीजिए नहीं पुष्पक विमान जो है ऐसा उड़ता था कि बैठने वाले को पता नहीं चलता था कि कब इसने कितना स्पीड पकड़ लिया है उसमें पानी का तालाब था ना देखने की चीजें थी बड़ा सुंदर स्थान था तो इस तरह से वही जो टेक्नोलॉजी है ये यूफोज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एलियंस जो आते हैं उसको लेके आते हैं ये एलियंस जो हैं प्राय रिचर्ड थॉमसन कहते हैं अपने एलियन आइडेंटिटीज में ये एलियंस जो हैं दूसरे लोगों से जो लोग आते हैं धरती के नीचे के कुछ लोग हैं धरती के ऊपर का लेवल है धरती के नीचे के लेवल्स हैं तो नीचे के लोगों से जो लोग आते हैं उसको एलियंस कहते हैं क्योंकि देवताओं का जो विमान है वो इनसे भी अलग रहता है नीचे के लोगों से ही आते हैं एलियंस और वो आके यहाँ पे कुछ ऐसे भी चमत्कार करके दिखा देते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे किसी लंगड़े व्यक्ति को ले जाएं तीन घंटे में पूरा उसका सर्जरी करके ला के दे दें ऐसी शक्तियाँ रहती हैं और पूरा ठीक करके चला के दिखा दें ऐसा रहता है बहुत सारे पुस्तक हैं इसमें लिखे हुए एलियंस के ऊपर और सब के सब झूठ नहीं हो सकते पूरे दुनिया में इतने सारे वैज्ञानिकों ने इस पर पुस्तकें लिखी हैं दार्शनिकों ने लिखी हैं तो सबके सब तो गलत नहीं हो सकते सत्यता कुछ जरूर है अर्जुन ने सब देखा कहते हैं आकाश में अगर हजारों सूर्य एक साथ उग जाएं तो जो तेज निकलेगा तो शायद इस विराट पुरुष के तेज के बराबर का तेज इतना तेज होता है कहते हैं इतना सारा तेज उसने देखा और उस तेज को देख के जला नहीं ये दिव्य दृष्टि के कारण संभव हुआ ये भगवान की योगिक शक्ति है कि ऐसे तेज को देखने वाला व्यक्ति भी नहीं जला और उसको देख पाया और देखने के बाद अर्जुन ने एक ही जगह पे ब्रह्मांड के विभिन्न अंशों को अनंत अंशों को देखा सब जगह देखा उसने नरक के लोगों का दर्शन किया नरकों में लोगों को मार खाते हुए देखा सब कुछ उसने देखा ये सब हुआ बस एक आंखों के सामने और बहुत कम समय के अंदर सब हो गया तो अर्जुन कहते हैं पश्यामी देवांश तब देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानीशम कमलासन सर्वानुरागांश दिव्यांग मैं आपके उप शरीर में ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ कमल में बैठे हुए भगवान शिव को देख रहा हूँ सारे ऋषियों को देख रहा हूँ बड़े बड़े सांपों को देख रहा हूँ बासुकी इत्यादि को बहुत सारे हजारों हजारों बाह हाथ पेट मुंह सब दिख रहा है हजारों हजारों चक्र हैं आपके और आपका मुंह जो है आपकी जिहवा इतनी सारी है इसका कोई आदि नहीं कोई मध्य नहीं कोई अंत नहीं इतना बड़ा शरीर में एक साथ देख पा रहा हूं और मुंह से आपकी अग्नि निकल रही है और पूरा ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं हालांकि आप एक हैं लेकिन आप हर जगह व्याप्त हैं दोनों एक साथ देख के मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूं और सब आपके शरीर में शरण ले रहा है सारे ऋषि लोग आपको देख के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं गंधर्व यक्ष सिद्ध सब आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं और इतना भयावह रूप यह दिख रहा है और देवता लोग सब लोग विचलित हैं और मैं भी उसको देख के उनके जैसे ही विचलित हूं हे सर्वव्यापी विष्णु आपको देख के मेरा मानसिक संतुलन जो है वो रख नहीं पा रहा हूं आपके दांत को देख के जो काल के जैसे दांत आप चबा रहे हो उसमें पूरी के पूरे सेना को अंदर जाते हुए देख रहा हो मैं दुर्योधन को सबको अंदर जाते हुए देख रहा हूँ द्रोणाचार्य को अंदर जाते हुए देख रहा हूँ भीष्म को अंदर जाते हुए देख रहा हूँ सारी की सारी सेना अंदर जा रही है इस विराट मुंह के अंदर बड़ा भय लग रहा है देख के और भय और मोह हो रहा है और आप दांतों से सबको चबा रहे हैं दुर्योधन को सौ कौरवों को चबा रहे हैं, को को रहे हैं के। चबा चबा के खून भी लप लप करके पी रहे हैं और उस आग वाले मुंह में सब चप चप के अंदर घुस रहे हैं और इसको देख के मुझे बड़ा भय हो रहा है भगवान कहते हैं कालो अस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकन समा प्रवृत्तवाम न भविष्य सर्वे ये अवस्थिता प्रतनीके योधा कह रूप में यहां आया हूं सबको चबा के खत्म करके खाक कर दूंगा तस्मात सो लभस्व जित्वा शत्रु राज्यम समृद्धम मैं मैये, मैये वैत निहित मैंने पहले ही तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया है हे धनुष चलाने वाले दोनों हाथों से धनुष चलाने वाले अर्जुन हे एक्सपर्ट ये जो सव्य साची है अरे मैंने पहले ही सबको मार दिया है तुमको खाली जाके क्रेडिट लेना है यश लेना है उठो लड़ाई करो लड़ाई करके अपना यश ले लो ये सारे द्रोन भीष्म जयद्रथ कर्ण सब के सब मारे जाएंगे विराट रूप को देख विराट रूप को देख रहे हैं और कृष्ण बता रहे हैं तो अर्जुन कहते हैं सब हुआ सब तो सही हुआ प्रभु अब मुझे आपका चार भुजा वाला रूप दिखाइए इस रूप को देख के मैं बहुत डर रहा हूं डर लग रहा है इस रूप को देख के करें सखेति मतवा यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान मया प्रमादा आपको अज्ञान में मैंने मित्र कह दिया प्रेम से प्रणय से कह दिया बस अज्ञान में कह दिया आपको सखा कह दिया आपको कृष्ण कह दिया यादव कह दिया लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने भयानक रूप भी लेके रखते हो और सबको चबा के खत्म कर देते हो तो कह रहे हैं आप मुझे कृपा करिए और कृपा करके आपका चतुर्भुज रूप अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए जिसमें कि शंख चक्र गदा पद्म लेके क्रीट च, गदिनम चक्र हस्तत्मी त्वाम द्रष्टुम अहम तथे उस रूप को दिखाइए जो चार हाथों वाला रूप है और भगवान कहते हैं मैं तुम पे प्रसन्न हूँ मैं तुमको और रूप भी दिखाऊंगा और चार हाथ वाला रूप दिखाते हैं चार हाथ वाला रूप दिखाने के बाद अर्जुन के सामने अर्जुन जो है उसको अपने दो भुजाओं वाला रूप दिख अर्जुन कहने लगते हैं कि अब आपके अति सुंदर मानवीय रूप दो हाथ वाला रूप दिखा देते हैं और अर्जुन कहते हैं इस सुंदर दो हाथ वाला रूप देख के अब मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह गई दृष्टेद मानुसम रूपम तो सौम्यम जनार्दनावृत सचेता प्रकृति इस रूप को देख के मेरा मन स्थिर हो गया है और भगवान कहते हैं सुदुदसम इदम रूपम ये जो दो हाथ वाला रूप है ये बहुत ही दुर्लभ रूप है चार हाथ वाला रूप दिख जाएगा किसी को विराट पुरुष का रूप दिख जाएगा दो हाथ वाला रूप अति 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 दुर्लभ रूप है देखने के लिए और भगवान कहते हैं ये रूप कैसे दिखेगा तो चौवनवा श्लोक कहते हैं कहते हैं भक्त्यात्व अन्य सत्या भक्त अन्य सत्या अहम एवं विधो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्व न प्रवेशुम च परम केवल और केवल भक्ति के द्वारा शुद्ध भक्ति के द्वारा ये रूप तुम्हें दिख सकता है और कोई तरीका नहीं है इस रूप को देखने का दो हाथों वाला अति दुर्लभ रूप को देखने का एक ही तरीका है कि तुम इस दुर्लभ की तुम शुद्ध भक्ति करो और कैसे करो निर्वैर सर्वभूतेश सभी प्राणियों से बैर मत करो किसी से बैर मत करो जो बैर का भाव रखेगा वो निरूप नहीं देख पाएगा मतलब तुम युद्ध करो लेकिन बैर के भाव से नहीं कितना बड़ा टेस्ट है सब जीवों से मैत्री भाव रखो और फिर भी युद्ध करो कैसे आप मित्र को मित्र भाव में फिर भी कैसे युद्ध कर सकते हो ये जो ज्ञान है भगवान दे रहे हैं कि मित्र के भाव में मित्र का भाव ये है कि आप उसको मदद कर रहे हो अगर कोई व्यक्ति बाली को जब राम मारे छिप के मारे बान बाली के गिर गए निकले प्राण लेकिन प्राण निकलने से पहले बाली चिल्लाया और रघुनाथ को बुलाया रघुनाथ आए और कहे तो बाली कहता है जब मारना ही था तो सामने आके मारते छिप के क्यों मारा ऐसा क्या था मेरे में जो आपने छिप के मारा अरे बंद अरे छिप के तो कायर मारते हैं और अगर आपको सीता चाहिए थी तो सुग्रीव से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी मेरे से दोस्ती किए होते 24 घंटे में मैं इस रावण को यहां आपके चरणों में फेंक देता तो राम सुनते गए और भरत के भरत जैसे भाई के बड़े भाई ऐसे निकलेंगे इतने गैर जिम्मेदार की छिपके मारेंगे ये भरोसा नहीं था मैं तो आपके बारे में सुन के फिर भी आया कि इनके सामने मरने में ये तो छिपके नहीं मारेगा लेकिन आप तो उल्टे निकले और अगर आप राजा बन जाओगे तो धरती अनाथ हो जाएगी ये सोच के ये सुनने के बाद राम कहते हैं सुनो बाली बड़े भाई की पत्नी गुरु की पत्नी और सगी माँ तीनों एक समान होती है छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन और अपनी बेटी एक समान होती तुमने बड़े भाई की पत्नी के को जबरदस्ती रखा इसलिए तुमको मृत्यु का दंड देना जरूरी था और मैंने इसलिए दिया कि जंगल जो है चौदह साल के लिए मेरे अधिकार में दिया गया है चौदह वर्ष का वनवास मुझे दिया गया है तो वन मेरे पास है और वन में तुमने ये किया है इसलिए दंड देना मेरा काम है अगर तुम दंड नहीं लोगे तो यह दंड तुमको नरक जाग ज्यादा मिलेगा बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी को हरने का दंड इससे ज्यादा मिलता था नरक में और अगर मैं तुमको दंड नहीं देता था राजा के रूप में तो दंड मुझे मिलता था राजा होकर तुमको दंड नहीं देने का तो मैंने तो दोस्ती निभाई और दोस्ती निभा के तुमको मारा है तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा फ्यूचर को सुधारने के लिए मैंने मारा है और अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए मारा है तो तुम क्यों मुझे डांट रहे हो क्यों मुझे ऐसे कड़वा वचन कह के जा रहे हो बताओ तो बाली को समझ में आया बाली के समझ में आया कि एकदम बढ़िया नरक से बच गया ये भी नरक से बच गया मैं भी नरक से बच गया दोनों नरक से बच गए मेरी जान गई जान तो जानी थी लेकिन नरक में तो इससे भी ज़्यादा प्रताड़ना होने वाली थी यहाँ तो एक बाँ लगा है वहां तो हजारों हजारों बांध लगा लगा के मारते थे तो इसलिए बाली के आंखों से खुशी के आंसू आए कृतज्ञता के आंसू आए और बाली जो है राम राम जपते हुए प्रभु को देखते हुए प्रभु के लोक को सिधार गया तो हम ये देख सकते हैं कि जब किसी को सही सजा मिलती है तो सजा भी दोस्ती का काम है अगर आप सही व्यक्ति को सजा दे रहे हो तो सजा देना भी दोस्ती का काम है अगर व्यक्ति को आप सजा नहीं दोगे तो आपकी दोस्ती कम हो जाएगी क्योंकि वो अब नरक जाके दुख सोहेगा वो आपका दोस्त दुख में है इसलिए जो सजा जिसको जब चाहिए वो देना भी दोस्ती है भगवान कहते हैं अर्जुन दोस्ती के भाव से इनको मारो बैर के भाव से मत मारो उठो और हथियार चलाओ दोस्तों को मार डालो हरे कृष्णा। तो भगवत गीता जो है आज की जेनरेशन क्या कोई समझेगा या किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं देखो ऐसा है प्रश्न है कि आज के जेनरेशन में ऐसा कोई समझेगा देखिए ऐसा है समझने के बाद समझिए अगर अगर कहीं पे घृणित काम हो गया किसी स्त्री के साथ दुराचार हो गया कहीं पर ऐसा कोई घृणित काम हो गया और अगर दंड नहीं मिलेगा तो राजा तो चौपट हो ही गया प्रजा उसको देख के सोचेगी कि आगे से ऐसा करोगे तो कोई दंड देने वाला नहीं तो समाज ही तो नरक बन जाएगा नरक नहीं बन जाएगा समाज तो लोग आज खुलम खुला पाप इसलिए कर रहे हैं कि दंड देने वाला कोई शक्तिशाली नहीं रह गया अगर दंड देने वाले रहते टाइम पे किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ 24 घंटे के अंदर उसको गला काट दिया जाए तो मानवाधिकार वाले आके कहते हैं कि यह मानवाधिकार का हनन है मारना नहीं चाहिए मेरा सवाल उनसे यह है कि जो दुराचार हुआ वो मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ और उसको देख के लोगों में उत्साहस नहीं बढ़ेगा तो मानवाधिकार का हनन तो और होगा सजा नहीं देने से मानवाधिकार ज्यादा होगा मानवाधिकार का हनन ज्यादा होगा सजा दे देने से मानवाधिकार का हनन कम होगा समझिए बात को है ना हाँ यहां पे राजा कौन है दंड कौन देगा राजा जो है सरकार है सरकार को चाहिए कि नीतियों को ऐसे फास्ट करें जिससे कि दंड तुरंत मिले और कड़ी से कड़ी दंड हो सबको जिससे कि लोगों में पाप करने का भय जो है रहे है ना दूसरे का अधिकार छीनने से पहले लोग डरे पैसा चुराने से डरें जान मारने से डरें स्त्रियों को बुरी नजर से देखने से डरें ये जब तक नहीं रहेगा राजा का मुख्य कर्तव्य नहीं हुआ राजा का कर्तव्य यह नहीं कि केवल विकास करे पहला चीज विकास नहीं पहला चीज इज्जत की दो रोटी है विकास बाद में होगा चलेगा इज्जत की रोटी पहले चाहिए आदमी दो रोटी कम खा लेगा चलेगा लेकिन इज्जत के साथ जीना पसंद करेगा तो जब सजा सही पे मिल जाती है तो आदमी इज्जत से जी सकता है इसलिए राजा का पहला काम है सजा देना बाद में विकास करना हरे कृष्ण इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन उठो मैंने पहले ही मार दिया है जिसने पाप किया है उसको तो पहले ही मार दिया गया है लेकिन अब जो उसको मार दे तो क्रेडिट ले ले और नहीं तो उसको आगे क्या उसका भविष्य है वो तो फिर ऊपर वाला देख ही रहा है लेकिन अगर राजा उसको मार दे तो राजा बहुत महान बन जाएगा लोग राजा के नाम ले लेके दुहाई देंगे अगर ऐसा राजा हो जाए आज के तारीख में तो लोग दुहाई देंगे वाह वाह क्या राजा है सब एकदम रात में बारह बजे भी कोई घूमे तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता पैसा कोई चोरी नहीं कर सकता कितना बढ़िया हो जाएगा तो राजा का यह पहला कर्तव्य है हरे कृष्ण ये है अध्याय विराट रूप का दर्शन अगर आपको कोई प्रश्न हो तो इस प्रश्न को आप किस्त में डालिएगा हम उसको देखेंगे वहां से और उत्तर देने का प्रयास करेंगे हरे कृष्ण